गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से आपसे बात करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7, करणी निम्नलिखित को सरल कीजिए और घातांकी रूप में व्यक्त कीजिए। टीवी में कई पार्ट दिए गए हैं, इसमें से मैं दो पार्ट आपको सिखा रहा हूँ, बाकी कुछ आपको करना रहेगा। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। देखिए, इसमें 2 की घात 2, 2 की घात 2, फिर पूरे की घात 4 है। उसके बाद यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, फिर 4 की घात 8 है, फिर गुणे 5 की घात 8। इसको सरलतम रूप में लिखना है और उसको घातांकी रूप में भी लिखना है। अभी देखिए, हम इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4 2 8। क्यों? क्योंकि जो थर्ड लॉ है वो कहता है कि किसी संख्या का पावर n हो और पूरे का पावर n हो तो होता है क्या है, थर्ड नियम से 2 पावर n × n। ठीक, तो इस तरह से 4 × 8 हो गया। फिर गुणे, यहाँ देखिए, 4 को लिख सकते हैं 2 घात 2। 4 का पावर 8 है, इसलिए हम पूरे का पावर कितना कर देंगे, 8 कर देंगे। फिर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लाई 5 पावर 8। अब देखिए, ये बराबर हो जाएगा 2 पावर 8 मल्टीप्लाई, इसको फिर यहाँ फिर हमने कर दिया, इसमें 8 × 16, 8 × 16 कितना है, 2 घात 16। ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 5 × 8। एक क्या हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बेस सेम है, बेस वैसे ही रहेगा, पावर जो है अलग अलग है, केस मल्टीप्लीकेशन का है। तो फर्स्ट नियम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 8 और प्लस 16, यानी इस तरह से मल्टीप्लाई 5 पावर 8। ध्यान दीजिए, ये बराबर हो जाएगा इसके 2 पावर 8 और 16 को ऐड करेंगे जब, क्या हो जाएगा, 16 और 8 24। उसके बाद मल्टीप्लाई 5 पावर 8, ये आपका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, थर्ड नियम अप्लाई करेंगे। थर्ड नियम अप्लाई करके उसको सॉल्व करके लिख लेंगे, क्या आएगा, 2 पावर, देखिए मैं आपको बताया हूँ, किसी संख्या के पावर यहाँ हो और फिर पूरे का पावर यहाँ हो, ये बराबर होता है 8 पावर n × n। यही था थर्ड नियम, कौन था, यही था थर्ड नियम। तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 10 × 4 10 × 40 मल्टीप्लाई 1/8। फिर यहाँ पर मैं आपको, हम क्या करेंगे, थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, तीसरा नियम अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 पावर 9/4 9 × 36 के बराबर हो जाएगा। कितना इसका, 2 पावर 40 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 पावर 40 / 2 पावर 36। ध्यान दीजिए, उसके बाद ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बेस सेम है, 2 से रख लेंगे, उसका वर्क कर देंगे। देखिए कैसे, इसका सोल्यूशन हम आपको दिखाते हैं। देखिए, a / b की वैल्यू नहीं है, सबसे पहले आपको a / b निकाल लेना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखेंगे 3/5 और यहाँ 3/5, दोनों जगह हाफ सेम है, 3/5 सेम है, उसको ऐसे कर देंगे। ध्यान दीजिए, पावर डिपेंड है, अलग अलग है, केस डिविजन का है। तो यहाँ पर हम जो नियम 2 है उसको अप्लाई कर देंगे। नियम भी यही बताता है, अगर ऐसा कुछ हो, एक पावर एम डिवाइड बाई एक पावर एन, तो ये बराबर होता है एक पावर एन माइनस एन, ये क्या है,
यही है दूसरा नियम, ठीक। जहां पर क्या चीज यम जो है यन से ज्यादा है, क्योंकि यम यन से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 18 माइनस 16, यानी ए अपॉन बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 अपॉन 5 पावर 18 में से 16 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यानी ए अपॉन बी की वैल्यू क्लियर आ गई। लेकिन मुझे चाहिए क्या, हमें चाहिए ए अपॉन बी का स्क्वायर, स्क्वायर चाहिए, इसलिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब क्या चाहिए मुझे, हमें चाहिए ए अपॉन बी का स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे ए अपॉन बी कितना है, ए अपॉन बी 3 अपॉन 5 का स्क्वायर है, लेकिन इसका भी स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ए अपॉन बी की जगह पे हमने 3 अपॉन 5 का स्क्वायर दिया है, पूरे का स्क्वायर कर देंगे कितना 2, अब ये बराबर हो जाएगा 3 अपॉन 5 पूरे की पावर कितना, यहाँ पे हम जो थर्ड ला अप्लाई कर देंगे 2 2 4, यानी ये जो है आपका रिजल्ट होगा। प्रश्न नंबर 10 करंट सरल कीजिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए। यहाँ पे देखिए बेटा आपके पास कई पार्ट्स आपको बुक में दिए गए हैं और उसमें से कुछ पार्ट आपको सिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है कि 3/2 होल पावर 0 प्लस 1/2 होल पावर 0 प्लस 1/3 होल पावर 0 प्लस 1/4 होल पावर 0, ठीक है। इसको हमको सरल करना है बेटा, एक बार मैं आपको बता रखा हूँ कि किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का, किसी भी अंक का अगर पावर 0 हो, 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, अर्थात इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। प्लस फिर देखिए 1/2 की पावर 0 है, इसका मतलब फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, उसको रख दो, फिर प्लस ए वाला प्लस, उसके बाद देखिए 1/3 की पावर 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। प्लस फिर देखिए 1/4 है, उसकी पावर 0 है, इसका मतलब पिछली बार कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करें, सबको एक दूसरे के साथ ऐड कर देंगे 1 2 3 4, यानी इसका जो रिजल्ट आया क्या आ गया, 4 आ गया। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 10 का पार्ट 2 बात करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास है 4/0 माइनस 3/0 प्लस 2/0 अपॉन 2/9/0। देखिए यह और भी आसान क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसका सोल्यूशन हम देते हैं, सोल्यूशन इसका हम देते हैं कैसे, ध्यान दीजिए 4/0 मैं आपको बताया हूं किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, 4/0 का मतलब हो गया 1, माइनस 3/0 का मतलब हो गया 1, प्लस 2/0 की वैल्यू हो गई कितनी, 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन, देखिए 2/9 की पावर 0 है, पावर 0 है इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ध्यान दीजिए ए पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, यानी देखा जाए और ये निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव कैंसिल हो गए दोनों, बचा ऊपर क्या, ऊपर बचा 1, नीचे फिर से बचा 1, 1 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 4, इसका सोल्यूशन हम आपको देते हैं 10 पार्ट 4 इसका सोल्यूशन देखिए, ध्यान दीजिए आपके पास है 49 मल्टीप्लाई 7/3 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10/3 मल्टीप्लाई 3/3 मल्टीप्लाई 7/2। देखिए सबसे इसको सिंपल वे में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे आसान तरीके से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए हम देखते हैं। अब देखिए हम 4 को क्या कर सकते हैं, 4 को ले सकते हैं 7 × 7 करोगे 7 × 7 = 49, उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई 7/3 यहाँ पे 7/3 है, यानी कितना 7 × 7 × 7 7/3 है, 7 जो है 3 बार, उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए 100 है, 100 को ऐसे ही डालेंगे। अब देखिए अपान जो है डिनोमिनेटर सेक्शन में क्या है, हर के केस में क्या
बार करेंगे, पावर थ्री है, थ्री है, तीन गुड़े तीन गुड़े तीन। फिर उसके बाद देखिए सेवन, सेवन दो बार है, सेवन इंटू सेवन, ध्यान दीजिए। अब देखिए दस, दस करोड़ दस करेंगे, दस राउंड सौ वाला, सौ ऊपर सौ से कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए सात, सात से कैंसिल, के साथ इस सात से कैंसिल। अब ऊपर देखिए बचा क्या, ऊपर आपका बच गया, क्या बच गया, सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन, ये कितना हो जाएगा, सात सत्ते उनचास, उनचास गुणे सात, उनचास गुणे सात करो कितना, सात नाइन तिरसठ फिफ्टी कैरी सिक्स, आपको अठाईस दो तीस इस चौबीस जो है तीन सौ तिरालीस। बट नीचे देखिए क्या मिल जाएगा, तीन तिरकर नौतीस सत्ताईस, सत्ताईस गुणे दस कितना गया, दो सौ सत्तर। ये आपका इस क्वेश्चन का सलूशन होगा। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।